नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को। हम लोग इस सेशन में पांच इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो इन दिनों चर्चा में रहा है और झारखंड से संबंधित है। इसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और कुछ बुक्स के लेखकों के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी आपको अवेलेबल मिल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आइए शुरुआत करते हैं 10 अगस्त के इस सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर आधारित है। आज की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। यह प्रश्न था दोस्तों, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए XLRI जमशेदपुर, ऑप्शन बी NIT जमशेदपुर, ऑप्शन सी DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, अथवा ऑप्शन डी RU रांची यूनिवर्सिटी। दोस्तों ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन कुछ दिनों पहले किया गया था। यह 2 दिवसीय आयोजन था, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। आइए इसके बारे में आपको और कुछ बता देते हैं इस संबंध में कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हेरिटेज सोसाइटी और DSPMU के संयुक्त तत्वावधान में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। आयोजन 27-28 जुलाई 2024 के दौरान किया गया और इसका मुख्य विषय जनजातीय धरोहर यानी ट्राइबल हेरिटेज है। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं और विद्वान हैं वो जनजातीय संस्कृति और विरासत पर अपनी राय रख चुके हैं। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन पद्मश्री अशोक भगत द्वारा किया गया था और वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र के बाद डॉक्टर रत्ना सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक था थारू जनजाति एक विमर्श, जिसका विमोचन इसी दौरान कन्क्लेव के दौरान किया गया, जो रत्ना सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं। और आज हम लोग किन किन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं उसे पहले देख लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया झारखंड में, और झारखंड में ये जो हनी टेस्टिंग लैब है ये भारत का 5वां और पूर्वी भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब है। इसके बारे में इस सेशन में हम लोग पूरा जानेंगे, कहाँ स्थापित किया गया है, किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने JKLM नाम से एक पार्टी राजनीतिक दल को मान्यता दी है। ये JKLM क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसके नेता कौन है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राजनीतिक दल घोषित किया गया है यानी एफिलिएशन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखने वाले हैं डेढ़ गुजारी के बारे में। डेढ़ गुजारी दोस्तों झारखंड में इन दिनों चर्चा में है, जिसपे TRI द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जसिंता क्रिकेटा भी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में थाईलैंड द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया, इनके बारे में भी और जानेंगे। इसके अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापक रहे, जिनका निधन हो गया है 37 वर्ष पहले यानी 37वां शहादत दिवस 2024 में 8 अगस्त को मनाया गया, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं और शुरुआत पहले प्रश्न से, हनी टेस्टिंग लैब वाले प्रश्न से। और यह प्रश्न था, पूर्वी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जुएल ओरम, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, अथवा ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। दोस्तों हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। मार्च में इसका शिलान्यास किया गया, उस समय अर्जुन मुंडा मंत्री हुआ करते थे, यानी वो कृषि मंत्री थे और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी थे।
इसके अलावा आपको बता दें इस संबंध में कि हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है रांची में, और यह भारत का 5वां और पूर्वी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी हनी टेस्टिंग लैब है, जिसका शिलान्यास 14 मार्च को किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। आपको बता दें कि इसके अलावा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और मांस संवर्धन परियोजना और अन्य परियोजनाओं को भी शिलान्यास किया गया इस दौरान। और जो हनी टेस्टिंग लैब है इसमें जो लागत आने वाली है ये 11 करोड़ के लागत पे ये बनेगी। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात करें हनी टेस्टिंग लैब के बनाने की, तो मधुमक्खी पालन और उसके जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। यानी बता दें कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के शहद और मधुमक्खी पालन के अन्य जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता का परीक्षण इस हनी टेस्टिंग लैब के द्वारा किया जाएगा, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये टेस्टिंग लैब। मीठी क्रांति के बारे में दोस्तों बता दें कि मधुमक्खी पालन से ही संबंधित है, और ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है मीठी क्रांति, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। और मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ही 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस दल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने JKLM के रूप में राजनीतिक दल की मान्यता दी है उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जयराम महतो, ऑप्शन बी सरयू राय, ऑप्शन सी सीता सोरेन अथवा ऑप्शन डी मधु कोड़ा। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए जयराम महतो, जो कि झारखंड के वर्तमान में उभरते नेता हैं, युवा नेता हैं। इनकी जो पार्टी है इन्हें JKLM का नाम दिया गया है और उन्हें ECI द्वारा मान्यता भी दी गई है। आपको बता दें कि जयराम महतो की पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता दी गई है, और JBKSS जो इनकी एक दल था जिसके अंतर्गत ये अभी तक कार्य कर रहे थे उसे JKLM के रूप में राजनीतिक दल की मान्यता दी गई है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और JBKSS की बात करें तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इसका फुल फॉर्म है, और जल्दी ही राजनीतिक दल के रूप में इन्हें एक इलेक्शन कमीशन द्वारा एक चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाएगा। वहीं JBKSS जिसके बैनर तले अभी तक वो कार्य कर रहे थे इसका फुल फॉर्म झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, जबकि जो राजनीतिक दल के रूप में इन्हें जो मान्यता मिली है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेढ़ गुजरी क्या है जिस पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध करने जा रही है? ऑप्शन ए बोली है, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण अथवा ऑप्शन डी लोक संगीत। दोस्तों डेढ़ गुजरी एक बोली है यानी लोकल स्तर पर बोली जाने वाली बोली जो झारखंड के बॉर्डर इलाकों में बोला जाता है, खासकर उड़ीसा और बंगाल के एरिया में। इस पे ही TRI शोध करने जा रही है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा संचालित TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं, जिसका पूरा नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी ओर से इस पर रिसर्च किया जा रहा है यानी डेढ़ गुजरी भाषा पर शोध अध्ययन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शोध कार्य भाषा वैज्ञानिकों के माध्यम से किया जाएगा और शोध के लिए विभागीय जो स्वीकृति है सरकार के द्वारा वो भी दे दी गई है। TRI के निदेशक राणेंद्र कुमार के अनुसार बता दें कि डेढ़ गुजरी भाषा बोली में उड़ीसा और बंगाली भाषा का समावेश है, और डेढ़ गुजरी बोली विशेषज्ञों के लिए काफ़ी रोचकता का विषय पैदा बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में झारखंडी भाषा बोली में मिश्रित होकर यह प्रचलन में है, और यही शोध का कारण बना है, जिसके कारण TRI इस बोली को जिसे डेढ़ गुजरी कह रहे हैं इस पर शोध करने जा रही है। बोली के बारे में दोस्तों बता दें कि कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, एक्चुअली भाषा नहीं वो बोली बदल जाती है,
जो लोकल स्तर पे बोला जाता है, जिसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, और उसे हम लोग बोली कहते हैं। और वो बोली कई भाषाओं का मिश्रण हुआ करता है। और ऐसी ही बोली है जो बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में बोली जाती है, जिसका जो बोली है वो है डेढ़ गुजरी, जिस पर DRI शोध करने जा रहा है। जशिंता केरकेट्टा को किस देश द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 से नवाजा गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, अथवा ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, थाईलैंड द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप अवार्ड दिया गया है जसिंता केरकेट्टा को, जो कि एक कवि और पत्रकार है। AIPP यानी एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट थाईलैंड ने झारखंड की युवा कवित्री को जसिंता केरकेट्टा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 दिया गया है। यह फेलोशिप आदिवासियों द्वारा स्वयं अपने मुद्दों को सटीक तरीके से लिखने, मीडिया में आदिवासियों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत जसिंता आदिवासियों के जमीन के मुद्दों, स्त्रियों की स्थिति और अन्य विषयों पर रिपोर्ट लिखा करेंगी। जसिंता आदिवासियों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए अलग अलग विधा में लगातार लिखती रही हैं। आपको बता दें कि AIPP थाईलैंड 2014 में भी वॉयस ऑफ एशिया रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित कर चुका है जसिंता केरकेट्टा को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापक, जिनका 37वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2024 को मनाया गया। ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी सुनील महतो, अथवा ऑप्शन डी निर्मल महतो। दोस्तों आजसू के संस्थापक रहे हैं निर्मल महतो, और इनकी हत्या कर दी गई थी, और 37वां शहादत दिवस 2024 में इनका मनाया जा रहा है। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं निर्मल महतो, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 37वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है 8 अगस्त 2024 को, यानी ये पुण्यतिथि 8 अगस्त को मनाया गया पूरे झारखंड में। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता रहे हैं और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक भी थे, और 22 जून 1986 को आजसू का उन्होंने गठन किया था। वह झारखंड अलग राज्य आंदोलन से भी लगातार जुड़े रहे हैं, और झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में वो शुमार रहे हैं। इसके अलावा आपको निर्मल महतो के बारे में बता दें कि वे जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के उलियान में उनका जन्म हुआ था 1950 में 25 दिसंबर को। निर्मल दा के उपनाम से वो जाने जाते थे, और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले निर्मल महतो की झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अहम भूमिका रही है, और शिबू सोरेन की आक्रामक छवि से काफ़ी वे प्रभावित थे। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की इनकी आंदोलनकारी छवि को देखते हुए ही उनको 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन ने उन्हें निर्मल दा को शामिल कर लिया था। निर्मल महतो का निधन 8 अगस्त 1987 को हो गया था, और जमशेदपुर के बिष्टुपुर में नॉर्दर्न टाउन इलाके में चमरिया गेस्ट हाउस के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी, जिनके कारण उनका निधन हो गया था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को, कुछ पुराने प्रश्नों को देखते हैं जो हम लोग रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई है? यह दोस्तों एक टीकाकरण अभियान है। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023, यह विधेयक दोस्तों पिछले वर्ष पारित किया गया था। आपको बता दें कि इसके तहत इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर किसे बनाए जाने का बात कहा गया है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री इसके कुलाधिपति होंगे यानी चांसलर होंगे, और मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के उद्देश्य से ही झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 लाया गया था विधानसभा में 2023 में। किस विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे डेविड मुर्मू का निधन हो गया है? ये दोस्तों शिकारीपाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे थे। भारत का सबसे लंबा
चलने वाला टूर्नामेंट गोल्डन बेबी लीग 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये दोस्तों जमशेदपुर में किया गया था। झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख की राशि के स्थान पर राशि को बढ़ाकर अब कितने करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? दोस्तों 5 की जगह अब इसकी राशि दुगनी कर दी गई है, अब 10 लाख राशि होगी सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर है? दोस्तों 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ISFR के रिपोर्ट के अनुसार 23,721 स्क्वायर मीटर किलोमीटर झारखंड का वन क्षेत्र है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो परसेंट में अगर बात करें तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76% क्षेत्र में वन है और स्क्वायर किलोमीटर में अगर बात करें तो 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। आइए अब कुछ पुराने इम्पॉर्टेंट बुक्स को भी देख लेते हैं जिनके लेखकों के बारे में भी जान लेते हैं। ये प्रमुख पुस्तक है दोस्तों झारखंड के 50 क्रांतिकारी जिसके लेखक हैं संजय कृष्ण, झारखंड के वीर शहीद इसके लेखक हैं विनय कुमार पांडे, तुलसी दल गंगा जल इसके लेखिका हैं रीता शुक्ला, विचारों के 11 अध्याय इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, गोपी की डायरी सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा ये संतोष कीरो द्वारा लिखित पुस्तक है, माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ की लेखिका हैं ऋषिमा सेज, सुनंदा पुष्कर की कहानी हीरेंद्र झा और निशमा दीक्षित द्वारा लिखा गया है, द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 to 2021 पीटर कैसे द्वारा लिखित पुस्तक है, द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक है जो सरयू राय के जीवनी पर है, जाने भारत के मुंडों को राधा गोविंद पातर द्वारा लिखित पुस्तक है, आदिवासी दर्शन यानी ट्राइबल फिलॉसफी यह संतोष कीरो के द्वारा लिखित पुस्तक है, और कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा ये रश्मि शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, और नरेंद्र द्वारा लिखित एक पुस्तक है आदिवासी लोक समाज। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जिसके लेखक हैं और पुस्तक है, ये सभी पुराने पुस्तक हैं जिसे याद रखना काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन और अब अंत में एक बार देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आज का अभ्यास प्रश्न है 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार यानी 6ठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दीपिका सोरिंग, ऑप्शन बी सलीमा टेटे, ऑप्शन सी निक्की प्रधान अथवा ऑप्शन डी संगीता कुमारी। तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप उम्मीद करता हूँ कमेंट में करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी। धन्यवाद दोस्तों।